हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग इन अल्टीमेट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम एक्सेल के ऊपर लगी हुई प्रोटेक्शन का जो पासवर्ड होता है, अगर हम उसको भूल जाते हैं तो उसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर जितने भी फॉर्मूला लगे हुए होते हैं उनको आप हाइड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, और उसी के दौरान मैंने आपको बताया था कि उनको हिडन करने के लिए आपको एक और प्रोसीजर फॉलो करना होता है जिसको बोलते हैं कि वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना पासवर्ड के थ्रू, तभी आप अपने पासवर्ड को जो है एक्सेल की शीट के ऊपर से हाइड कर सकते हैं। सो अगर मान लीजिए आप एक्सेल की वर्कशीट के ऊपर प्रोटेक्शन लगाते हैं और प्रोटेक्शन लगाने के बाद किसी भी रीजन से आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के, आज इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ सीखेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम 3 स्टेप के अंदर ये पूरे के पूरे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरी वो फाइल है पासवर्ड नाम से, मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये वो एरिया था जहाँ पर मैंने कहीं पर फॉर्मूला लगाया हुआ है इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, और इनको हाइड करने के लिए इसके लगे हुए फॉर्मूले को आप देख सकते हैं। फॉर्मूला बार में जो है फॉर्मूला से एक भी नज़र नहीं आ रहा है, मैंने जो है आपकी एक्सेल की शीट को प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे तो आप यहां से देख सकते हैं, अगर यहां पर अनप्रोटेक्ट लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब कि आपकी शीट प्रोटेक्टेड है। दूसरा, आप अगर इस प्रोटेक्शन वाले एरिया के अंदर कहीं पर भी कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, इट मीन्स कि आपकी शीट प्रोटेक्टेड है। सो चलिए अब हम चलते हैं और इस शीट के पासवर्ड को ब्रेक करना सीखते हैं, और उसको सीखना हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले प्रोसीजर में हम क्या करेंगे कि अपने माई कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर में एक ऑर्गेनाइज का ऑप्शन आएगा, बट अगर आप विंडो 8, 8.1 और 10 यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, व्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ से ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सामने आपके एक पॉपअप विंडो खुलकर आएगी, इसके अंदर आप व्यू टैब के अंदर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स, इसके ऊपर टिक यानी कि चेक मार्क लगा हुआ होगा, हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। अगर हम जैसे ही इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो होगा क्या कि हमारी ये जो एक्सेल की फाइल है इसका जो एक्सटेंशन है वो हमें शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में अपनी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे, और ये जो फाइल का एक्सटेंशन है XLSX इसको हम हटाएंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे जिप ZIP, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है तो आप इसको यस कर दें। जैसे आप करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो एक्सेल फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली जिप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से खुलकर आएगा। इसके अंदर आप ये जो एक्सेल नाम का फोल्डर नज़र आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब चूंकि आपको वर्कशीट का पासवर्ड तोड़ना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वर्कशीट्स का एक ऑप्शन आ रहा है, फोल्डर आ रहा है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और उसके बाद आपके सामने एक नया खुल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जैसे इस यहाँ पर लिखा हुआ शीट 1, इस एक्सेल की फाइल के अंदर आपकी एक ही शीट है इसलिए शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपकी एक और शीट होगी या उस शीट का जो भी नाम होगा तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर वो नज़र आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी इस शीट का पासवर्ड तोड़ने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके डेस्कटॉप के ऊपर छोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी वो जो फाइल है वो कॉपी होकर आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं sheet1.xml। इसके बाद आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इसके बाद इसको ओपन करेंगे विद नोटपैड। जैसे आप नोटपैड के थ्रू ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इस शीट के ऊपर बहुत सारी कोडिंग लिखी हुई आएगी। ये कम है, कम इसलिए है क्योंकि आपकी शीट के ऊपर डेटा कम है, जितना ज़्यादा डेटा होगा कोडिंग इसके अंदर उतनी ही ज़्यादा होगी। सो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे इसके अंदर जो है कंट्रोल F करेंगे। कंट्रोल F जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पर टाइप करेंगे प्रोटेक्शन, टाइप करेंगे प्रोटेक्शन PROTECTION
एंड, और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जहाँ पर जो चीज़ आपने सर्च किया है वो इस शीट के ऊपर नज़र आ जाएगी। इसके बाद आप ध्यान से देखें, मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप इसको ठीक से देख सकें। मैं 20 कर देता हूँ, ये देखिए। इसके बाद मैं दोबारा से फाइंड आउट कर लेता हूँ ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है कि जहां ये प्रोटेक्शन सिलेक्टेड है उससे पहले ये देख रहे हैं शीट लिखा हुआ, और एक ये जो है लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के साथ में एक टैग स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जहां से ये टैग स्टार्ट हो रहा है वहां से आप अपने शिफ्ट के साथ जो है लिखे हुए कैरेक्टर को, अल्फाबेट को सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जहां तक ये टैग नज़र आ रहा है वहां तक आप ले जाएंगे। जैसे ये टैग यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर जाकर फिनिश हो रहा है, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से सिलेक्ट करना शुरू करेंगे, और जहां पर एंड हो रहा है वहां तक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे यानी कि डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को सेव कर देंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, चूँकि आप देख रहे हैं इस फाइल के अंदर से हम जो है प्रोटेक्शन हटा चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, जहां से हम इसको उठा कर ले आए थे वहीं पर हम यहां पर इसको रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद हमसे ये यस और नो पूछेगा, आप इसको सिंपली ओके कर दें। इसके बाद आप इस फाइल को क्लोज कर देंगे, हमारा दूसरा स्टेप हो गया कंप्लीट। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमने फाइल को जिप में कन्वर्ट किया था इसको दोबारा से एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सो राइट क्लिक करेंगे, उसके लिए रीनेम करेंगे, और जहां पर आपने जिप लिखा हुआ था इसको हटाकर XLSX टाइप करके ओके कर देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपकी वर्कशीट का पासवर्ड और प्रोटेक्शन हट चुका होगा। चलिए चेक करते हैं, ये देखिए। इवन अब आप यहाँ चाहें तो कुछ भी एंटर कर सकते हैं, मैं कुछ भी टाइप करना चाहूँ कर सकता हूँ। इसके अलावा आप फार्मूला बार के अंदर देखेंगे तो आपका फार्मूला भी ईजिली नज़र आ रहा होगा। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है जिससे आप अपनी एक्सेल की वर्कशीट के ऊपर लगे हुए प्रोटेक्शन के पासवर्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि हम ये प्रोटेक्शन कैसे एक्सेल के अंदर लगाते हैं, और अगर उसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्पीडोमीटर चार्ट बनाना सिखाऊंगा, खूबसूरत और ऑसम। आप एक्सेल के अंदर अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें सीखने वाले हैं आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर। सो तब तक के लिए गुड बाय।